सुनो मंत्री, आज हम मिठाई खाएंगे। अरे जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाओ, राजा वहाँ थाल लेके बैठे हैं। अरे भाई, ऐसी वैसी मिठाई बनाने से बात नहीं बनेगी। राजा कक्का बक्का मिठाई का बोझ दे रहे हैं सबको। सही कहा, वो खाएंगे क्या? सबका पेट तो गंध सूंघ कर ही भर जाएगा। हाँ वो तो है, रसगुल्ला, रसमलाई, गुलाब जामुन, क्या क्या खाएंगे, क्या छोड़ेंगे। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अगर खुशबू इतनी अच्छी है तो इसका स्वाद कितना अच्छा होगा। ये टूनिया ऐसे आके ताक झाक क्यों कर रही है? हाँ वही तो, ये टूनी यहाँ कर क्या रही है? मैं भी मिठाई खाऊंगी। ए टूनी, टूनी यहाँ से जाओ, जाओ। नहीं, तुम नहीं, मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगी। पहले मिठाई खिलाइए फिर जाऊंगी। बाप रे, शौक तो कम नहीं है इसके। वही तो देख रहा हूँ। मारूंगा ऐसे सर पे कि चली जाओगी अपने घर पे। वाह क्या कविता कही है मैंने, वाह मजा आ गया, वाह वाह। इतनी अच्छी मिठाई छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? महाराज मुझे एक मिठाई दीजिए ना, बस एक, मैं चली जाऊंगी। इतना दुस्साहस, चिड़िया होकर राजा का भोजन खाएगी? प्रहरी, अरे प्रहरी, प्रहरी कहाँ हो तुम? पकड़ो इसे, टूनी बचकर भागनी नहीं चाहिए। दुष्ट राजा, बुरा राजा, मिठाइयाँ तो मैं खाऊंगी ही, जरूरत पड़ी तो खुद बनाकर खाऊंगी। दुष्ट राजा, बुरा राजा। शरीर में नहीं है दम, और टूनी खाएगी चमचम। सिर्फ चमचम नहीं, सारी मिठाई। उसके पहले तुम मेरे पेट में जाओगी। मुझसे कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा हूँ। मिठाई तो तुझे मिलेगा नहीं, जा जाके पके पपीते खा ले। हाँ पके पपीते आप ही खाइए, मैं तो मिठाइयाँ खाऊंगी। हे भगवान, हे भगवान, क्या मैं कभी भी मिठाई नहीं खा पाऊंगी? मेरा मिठाई खाने का मन हो रहा है। अरे चूनी, रो रो कर क्या हाल कर लिया है? मुझे रोने में मजा आ रहा है क्या? मुझे मिठाई खानी है। अच्छा ये बात है, मिठाई के लिए पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। देखिए अगर आप समझ ही गई हैं, तो जल्दी कुछ करती क्यों नहीं है आप मेरे लिए? हाँ जानते हो, तुम्हारे दुख की बात सुनकर मेरा मन भी दुखी हो गया। तो क्या इससे मेरे पेट में मिठाई आ जाएगी? तुम चाहोगी तो जरूर जाएगी। ऐसा कैसे होगा मैं भी सुनूं? मैं क्या मिठाइयाँ खुद बनाऊंगी? तो क्या हुआ, मैं तो बना सकती हूँ ना। दीदी सच में? तो फिर अभी मेरे लिए मिठाइयाँ बना दो ना। पर उसके लिए तो बहुत सारा सामान चाहिए टूनी। अच्छा क्या क्या चाहिए बताइए।
चाहिए? मैदा, चीनी, घी, दूध, इलायची, तेजपत्ते और बहुत कुछ। ओहो, इतना सब? जाओ ये सब जुगाड़ करके ले आओ, तो मैं तुम्हारे लिए मिठाई बना दूंगी जितना चाहो। वो तो मैं समझ गई, पर इतनी सारी चीजें कैसे लेकर आऊंगी? होगा होगा, इच्छा है तो उपाय भी होगा। रात को सोते सोते एक अच्छा उपाय निकाला है। जैसा सोचा था वैसा ही काम। लगता है आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है। ए टूनी, आओ ना जरा मेरे पास आओ, आज मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। वो तो महसूस करेंगे ही, बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ, जरा मैं भी सुनूं। सुनना चाहते हैं तो सुनिए, बहुत अच्छी बात है, मजा आएगा मजा आएगा। मैं आज खाऊंगी बहुत सारी मिठाई। हाँ? क्या बोल रही हो, तुम मिठाइयाँ खाओगी? क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया क्या? तो फिर मैं फिर से नाच नाच के बताती हूँ। समझ गया समझ गया, लेकिन क्या तुम वो मिठाइयाँ अकेले खाओगी? तुम वो सब हजम कर पाओगी? ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं आपको भी थोड़ी खिला दूंगी। पर ये बार बार परवर क्यों कर रही हो? मिठाइयाँ खानी है तो मेरे लिए मैदा, गुड़, दूध, घी, इलायची, तेज पत्ता, ये सब आपको लेकर आना होगा। ला पाएंगे? अरे धत, ये सब क्या मेरा काम है? अरे सुनिए तो, आप सिर्फ जाइए और राजा कक्का बुक्का को जाकर कहिए। आज एक और कविता हो जाए। धूप निकली है, फूल खिले हैं, कदम के नीचे हाथी नाच रहे हैं और बाघ नाच रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो सच में बाघ है। अरे बाप रे, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। आज मैं आपको खाने नहीं आया हूँ महाराज। जब से मैंने वो मिठाई की बात सुनी है, तब से चूहे मेरे पेट के अंदर उछल कूद मचा रहे हैं। इसलिए मुझे चाहिए मैदा, गुड़, घी, दूध, इलायची, तेजपत्ता, ये सारी चीजें चाहिए। जरूर दूंगा जरूर दूंगा, मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ? मंत्री, अरे मंत्री सुनो, कहाँ हो तुम? लगता है याद करके अब सब कुछ ले आए हो, पर अब क्या? पर मिठाइयाँ खाने के लिए थोड़ी देर इंतजार करना होगा। वो मैं कर लूँगा, पर मिठाई मुझे चाहिए। हाँ हाँ, जब आप इतनी मेहनत करके सब लेकर आए हो तो मिठाइयाँ तो बनेंगी ही, और जैसे ही बनेंगी तुम जरूर खा लेना। सुनो, ये मिठाइयाँ है ना, वो मेरी एक दूसरी सहेली बनाएगी, तो आज शाम को तुम वहीं चले आना, देर मत करना, ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक है, मैं एकदम तैयार होके आऊँगा, तुम चिंता मत करो। मिठाई की तो बात है, और उसके बाद तो मैं तुम्हें खाऊंगा। अब तुम जाओ, ठीक है? मैं भी देखती हूँ मिठाइयाँ खाकर तुम कैसे भागते हो। ये लो टूनी, जरा मिठाई खाके देखो कैसा बनाया। चखने का तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन खाने से पहले बाघ मामा के लिए व्यवस्था करनी होगी। वो तो मैंने सारा कर दिया है, तुमने जैसा कहा था वैसा ही किया बस, है बस काम हो गया। बाघ मामा आएंगे, खाएंगे और फिर भागेंगे। पर तुम सावधान रहना, वो आते ही होंगे। आने दो ना, मैंने उनकी खातिरदारी के लिए सारी तैयारी करके रखी है। तो फिर चलो,
मिठाई थाल में सजा लेते हैं। हाँ हाँ, केले के पत्तों पर गर्मा गर्म मिठाइयाँ। अरे अरे वाह, जैसा सोचा था वैसा है। ओह, अब इन सबको एक एक करके चखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन पहले कौन सा खाऊं? ये खाऊं या वो खाऊं? धत, जो मन करेगा वही खाऊंगा। अरे छी छी, ये क्या था? ये तो सिर्फ मिठाई के नाम पे मैदा था। रुको, दूसरा खा के देखता हूँ। छी छी, इसमें तो गुड़ है ही नहीं। अब दूसरा चक्के देखता हूँ। मजा आ गया, उस दिन मेरी तकलीफ पर हंस रहा था और आज देखो इसे उचित शिक्षा मिल गई। अरे इसमें तो गोबर भरा हुआ है। मुझसे ही सारा इंतजाम करवाया और मुझे ही टोपी पहना दी। रुको रुको, मैं मजा चखाता हूँ। बापरे बापरे, महाराज आ रहे हैं, भागो जल्दी भागो। अरे बापरे, भागने में ही भलाई है, भागो भागो। चलो ये मुसीबत तो सर से टली, अब चलो पेट भरकर मिठाइयाँ खाते हैं।